हमने तो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करी है, और ऐसे में अगर हमें कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाता है तो इसमें गलत क्या है? ये कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव साहेब पाटिल दानवे का, जिन्होंने आज अपने तमाम बीजेपी के अन्य साथियों के साथ मुंबई के सबर्बन इलाके दादर से मोदी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आखिर मोदी एक्सप्रेस क्या है? मोदी एक्सप्रेस वो विशेष ट्रेन है जो आज मुंबई से कोंकण के सावंतवाड़ी इलाके में गई, जिसमें गणेश भक्त शामिल थे, वो तमाम गणेश भक्त जो हर साल मुंबई से कोंकण इलाके में गणेश उत्सव मनाने के लिए खास तौर पर जाते हैं। तो क्या बीजेपी की तरफ से ये एक राजनीतिक दांव था जो खेला गया था? राव साहेब दानवे पाटिल से जब ये पूछा गया तो उन्होंने शिवसेना को खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर शिवसेना को ऐसा लगता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहेंगे। दूसरी तरफ ये भी याद रखा जाए कि नारायण राणे, जी हाँ, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नारायण राणे अब केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी उम्मीद कर रही है उनकी पदोन्नति के साथ वो बीजेपी की मदद करेंगे बीएमसी चुनाव में शिवसेना को पछाड़ने के लिए। फिलहाल तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये एक बड़ा दांव है। ये दांव कितना कारगर साबित होगा ये आने वाले दिन में पता लगेगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।